कंस्ट्रेंट इक्वेशंस के अंदर बहुत सिंपल है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, दो मासेस हैं, मैंने इसको यू वेलोसिटी दी, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, ये स्ट्रेट मूव कर रहे हैं तो जो इसकी वेलोसिटी वही इसकी वेलोसिटी, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, पूरा सिस्टम एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वी इज इक्वल टू यू, ये ऑलरेडी पता है। रूल ये है जो सिस्टम मूव करते हैं वेलोसिटीज के साथ कि वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग हैज सेम वेलोसिटीज, मतलब स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी की वैल्यूज तुम्हें दिखेंगी उनका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। ये बात इसमें समझ में नहीं आएगी, ये बात इसमें समझ में आएगी। मान लो वही रस्सी है लेकिन इस बार इसको यहां वेलोसिटी वेक्टर दिया यू और यहां दिया वी, ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है, और मैंने रूल क्या बताया, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम होती है, तो तुम क्यों ना ऐसा करो वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा, और इसका क्या है, वी कॉस थीटा वन, वी कॉस थीटा टू, सॉरी यू कॉस थीटा टू। तो ये दोनों वेक्टर स्ट्रिंग के अलोंग आ गए, और रूल ये है कि स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटीज है हमेशा सेम रहती हैं, तो ये मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में मार्क करना है। तो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल लेने हैं, उनको इक्वेट कर देना, आंसर आएगा। जैसे आपके पास ये केस है, आपने इस ब्लॉक को लेफ्ट वेलोसिटी दी वी, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा यू के साथ, तो यू और वी का रिलेशन निकालो। स्ट्रिंग के अलोंग, रस्सी के अलोंग इसका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू बिल्कुल सही है, तो यू ही है, लेकिन ये रस्सी के अलोंग नहीं है वी, तो तुम्हें इसका क्या निकालना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो क्या आएगा, वी कॉस थीटा, तो वी कॉस थीटा और यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम। तो क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, यू इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है यहां तक। जैसे ये एक पुली है, मैंने इसको वी से खींचा, तो ये रिंग है, ये रिंग स्लाइड करना शुरू कर देगी यू के साथ, यू और वी का रिलेशन निकालना है। अब स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी वी है, इसकी वेलोसिटी यहां पर यू है, तो आप इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग निकालो, जो कि क्या आएगा, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी है, आंसर। जैसे ऐसा क्वेश्चन वेक्टर के अंदर भी किया था, क्या क्वेश्चन था कि इसकी ब्लॉक की नीचे आने की वेलोसिटी वी है और ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ यू, यू और वी का रिलेशन निकालो। तो तुम्हें अगर ये थीटा गिवन है तो तुम यू का कंपोनेंट निकाल लो स्ट्रिंग के अलोंग यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा और वी एक बराबर है, तो वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ऑप्शन मार्क कर लेना। तो पॉइंट समझ में